जी दराज हाँ, हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जिस स्थान पर आए हैं, ये स्थान का नाम है कनक वृंदावन और इसको जल महल भी कहते हैं। और यहीं पर कवि जयदेव गोस्वामी का सभी तो विग्रह राधा माधव है। और जो जयदेव गोस्वामी जिनका ग्रंथ है गीत गोविंद, जिस गीत गोविंद ग्रंथ की इतने महत्व है, जब से कवि जयदेव अपना दिव्य दृष्टि से देखा कैसे राधा रानी मान किए हुए और श्याम सुंदर उनको मनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह से राधा रानी का मान नहीं उतर रहा। लास्ट में कृष्ण बोले, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद बल्लभम उदारम। बोले हे राधे, आज इतने तुमने क्यों जोर जबरदस्ती मान किए हो, इसलिए मैं तुम्हारी चरण को नीचे अपना सर झुका देता हूँ, अपना मान तो छोड़ दो। जिसको देख कर कभी जयदेव गोस्वामी लिख नहीं पाए, बोले जो विश्व ब्रह्मांड का मालिक है सारा दुनिया की, वो कैसे राधा रानी के चरण में कैसे माफ़ी कैसे मांग रहे हैं, सर को कैसे झुका रहे, तो हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने गंगा स्नान करने के लिए जब गए, इतने में स्वयं कभी जय कृष्ण पीछे आकर के उनको पत्नी से बोले, मैंने एक पद भूल गया था, भूल नहीं जाओ, कापी दो। तो उन्होंने कापी दिया तो उनने जिस पद को लिख नहीं सके, फिर राधे तुम्हारी चरण में सर को झुका देता हूँ, वो पद को कृष्ण स्वयं सोने की अखेरे में लिख कर गए। और सचमुच से जब थोड़ी देर बाद में कभी जयदेव गोस्वामी आए, पत्नी बोली आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। बोले नहीं, मैं तभी से गया, अभी आ रहा। बोले नहीं, अभी अभी आए थे, अब मैंने कापी दी, आपने लिखा। बोले कहाँ, देखा जिस पद को लिख नहीं सके कृष्ण स्वयं सोने की अखेरे में वो पद को लिख रहे। इसलिए उनका ये सभी तो विग्रह यहाँ पर श्री राधा माधव है। जब ये अपना घर भी बना रहे थे भूस का, कृष्ण भी स्वयं आकर के जिसको मदद करते थे, जिनकी ग्रंथों को महाप्रभु स्वयं जगन्नाथपुरी गंभीरा में जिस ग्रंथों को पढ़ करके रसास्वादन करते थे, इसलिए ये जो स्थान हम आए हैं उनकी ये भजन स्थली और उनको सभी तो विग्रह श्री राधा माधव, बड़ा सुंदर स्थान है। आप लोग देखो, जहाँ पर आप लोग अभी आपको दर्शन करा रहे हैं ये स्थान है। कभी जयदेव गोस्वामी की जय हो, राधा माधव की जय हो। बढ़िया से अभी हम दर्शन कर रहे हैं श्री राधा नटवर लाल जी। बोल श्री राधा नटवर लाल जी की जय। इधर आओ, इधर आओ। इधर भी एक ले लो, ढलान ज्यादा। शामना आसो बंद कर दी है ना, रखते जा। कितने वीडियो बोलते हो?